नमस्कार, मैं कनिका सलारिया, बी फॉर्म सेकंड सेम की छात्रा, अपने सहपाठी रक्षित पांडे और श्रेयांश पांडे के संग मिलकर रथ यात्रा के इस पावन अवसर पर चंद पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रथ यात्रा भारत के पवित्र त्योहारों में से एक है। यह त्योहार आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाता है। रथ यात्रा के इस त्यौहार में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति एक सुसज्जित और भव्य रथ में स्थापित की जाती है। उनके संग उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति भी रखी जाती है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं, लेकिन श्रद्धालु रथ की रस्सियों को हाथ से छूना पुण्य का काम मानते हैं। धन्यवाद। इस पर्व को मनाने के पीछे कुछ मान्यताएं हैं, जिसमें सर्वप्रथम मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ जी की बहन सुभद्रा ने द्वारिका दर्शन रथ से करने की इच्छा प्रकट की, जिसके फल स्वरूप भगवान ने रथ से उनको भ्रमण करवाया। तब से हर वर्ष आज के दिन जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम तथा सुभद्रा को भी रथ में बैठाकर उनकी यात्रा निकाली जाती है। ये पर्व पूरे 9 दिन का होता है और इसको बहुत हर्ष उल्लास के साथ। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक त्योहारों में से एक त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि जब रथ यात्रा निकाला जाता है, तब उस समय वहाँ का वातावरण काफी सुंदर और शुद्ध हो जाता है। रथ यात्रा में होने वाले रस्मों और रिवाज जो हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की महत्वता पूरे दुनिया में बताता है। रथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विदेशों में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है। रथ यात्रा को भारत के अंदर और भारत के अलावा बाकी दूसरे देशों के अंदर वहां रहने वाले भारतीय श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा जश्न और बहुत बड़ा उल्लास का माहौल होता है। वो उसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। रथ यात्रा के इस पावन त्यौहार पे सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की तरफ से आप सभी को रथ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।